हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए, आपका स्वागत है हमारी इस सीरीज में जिसमें मैंने पहले दो एपिसोड बनाए और आपको ये बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्या है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट जिस पर जो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग, एक चीज याद रखिए, आप लाइफ में कुछ भी करें, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, व्हाट एवर यू आर, बट लाइफ में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो चीजें दे देगा जो बाकी प्रोफेशंस में किसी में कम और किसी में ज्यादा मिल सकती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का अगला पॉइंट, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों की जाए, इसका मेरा अगला पॉइंट है सोशल सर्कल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे ये डिपेंड करता है हमारी संगत पर। कहा जाता है कि आप मुझे अपने पांच बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताइए और ये बता दीजिए कि वो कौन है, क्या करते हैं, और मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा। इट मींस आप वही बनेंगे जैसी संगत में आप रहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर सभी तरह के लोग आपके सोशल सर्कल में जुड़ जाते हैं। जनरली होता क्या है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी दोस्ती सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ होती है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका सर्कल सिर्फ डॉक्टर्स का होता है, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं तो आपका एक दायरा सिमट कर रह जाता है चार्टेड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट्स का। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपकी टीम में चार्टेड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड पीपल, हर तरह के लोग आपके सर्कल में आ जाते हैं और आपका सोशल सर्कल, आपका दायरा बहुत बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स याद रखिए कि सोशल सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आपके जानने वाले कैसे लोग हैं, यह बहुत फर्क पड़ता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जब भी कोई आपको लाइफ में काम पड़े, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आ जाती हैं जब हमें किसी की जरूरत पड़ती है, किसी से काम पड़ता है, तब याद आती है कि मेरे पीछे खड़े होने वाले कितने लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक ऐसा उदाहरण पेश करता है। दोस्तों मुझे अभी याद है, आज से कुछ शायद 8 से 10 साल पहले की बात है, हमारे एक दोस्त मित्र थे जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे, उनका एक दिन एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने बोला कि इनको ब्लड की जरूरत है, और पूरी टीम में यह बात 3 से 4 घंटे में फैल गई और डॉक्टर्स को 4 से 5 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, लेकिन वहां पर बाहर 150 लोग खड़े थे ब्लड देने के लिए, 150 लोग लाइन में खड़े थे ब्लड देने के लिए। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कीजिएगा सोशल सर्कल के लिए। पॉइंट नंबर टू, दूसरी चीज जो अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस एपिसोड में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। क्योंकि फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज में बंध के रह जाते हैं। मान लेते हैं कि अगर मैं केमिस्ट हूं तो मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ दवाइयों में सिमट कर रह जाएगी। मान लेते हैं मैं अगर फैशन इंडस्ट्री से हूं या मैं फैशन डिजाइनर हूं तो मेरी पूरी जिंदगी सिमट कर रह जाएगी कपड़ों के बीच में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको हजारों तरह के प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाती है, आपको हर एक चीज की नॉलेज अलग अलग दी जाती है और आप उससे जुड़ जाते हैं। आपका नॉलेज का दायरा बाकी किसी एक आम आदमी से सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर थ्री फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे बढ़िया फायदा, और वो है आपका टीम वर्क। पूरी जिंदगी हम लोग अकेले जीते हैं, अकेले काम करते हैं, अकेले जॉब करते हैं, अकेले अपने परिवार को चला रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़ते हैं, जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, आपके साथ एक टीम जुड़ जाती है। टीम, वो टीम 50 लोगों की भी हो सकती है, 100, 200, 500, 1000 और लाखों लोगों की भी टीम हो सकती है। और ये लोग, ये सिर्फ वो लोग नहीं है जिनसे आपका पैसे का लेन देन है, जिनसे आपके व्यापारिक संबंध है, ये वो लोग हैं दोस्तों जो हर दुख में और हर सुख में आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे। सो फ्रेंड्स, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। आपका टीम वर्क बढ़ जाता है, आपको पता चलता है कि मुझे किसके सुख में और किसके दुख में कैसे काम आना है। और भगवान ना करे कभी आपके घर में कोई दुख आए, या भगवान करे कि आपके घर में हर रोज सुख आए, तो आप देखेंगे आपकी टीम के लोग सबसे ज्यादा हर समय आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों ये है पावर नेटवर्क मार्केटिंग की। ओके फ्रेंड्स, अब
मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग का पॉइंट नंबर फोर। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, दुनिया में अगर हम देखें 99% लोग सिर्फ अपने लिए भाग रहे हैं। मेरी तनख्वाह, मेरी नौकरी, मेरी कुर्सी, मेरा बिजनेस। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं दिल से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको दूसरों की मदद करनी ही होती है। और अगर वाकई ही आपको मजा आता है दूसरों की मदद करने में, अगर वाकई ही आपका मन करता है कि मैं भी लोगों की मदद करूं, अगर वाकई ही आपका मन करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी वजह से कुछ लोगों को रोजगार मिले, मेरी वजह से मैं दूसरों की तरक्की का कारण बनूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर दूसरों की मदद करने का बेहतरीन रास्ता मिलता है। यहां पर सक्सेस ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं अपनी टीम की मदद करूंगा तभी मैं भी आगे बढ़ूंगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी टीम की मदद करनी ही होगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूल है फ्रेंड्स। आज मैंने आपसे ये चार पॉइंट शेयर किए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए। ये ध्यान रखिएगा, आप जिंदगी में कुछ भी करें एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कीजिएगा। मैं अगले एपिसोड में नेटवर्क मार्केटिंग के और फायदे भी आपको बताने वाला हूं। तब तक आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि फ्रेंड्स अगला मेरा जो एपिसोड आने वाला है उसमें और जबरदस्त पॉइंट लेकर आने वाला हूं, नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग के फायदे। थैंक यू वेरी मच।